नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएस की वेबसाइट पर जो बच्चे बोल रहे थे कि सर कौन सा हमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट चाहिए, अभी एनेक्सर आपका अपलोड नहीं किया गया है और नोटिफिकेशन में लिखा था एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन वेबसाइट पे कहीं पे था नहीं। तो आप जब जाके, कल ही शायद अपलोड किया गया, आप जाके जब वेबसाइट चेक करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि एनेक्सर आपके 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिए गए हैं। वहां पे आपको जैसे SC ST है उनका एनेक्सर देख लीजिए, OBC का है, मेन इन्हीं दोनों लोगों में है, और तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। EWS आप इंग्लिश के ही फॉर्मेट में बनवा लीजिए, आप जहां से भी हो स्टेट का वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन SC ST और OBC वाला जो पोर्शन है उसको आप जरूर देख लीजिए क्या फॉर्मेट है। KVS का ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल का ही फॉर्मेट है, कोई अलग से नहीं है। सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट आप दिखाओ देखोगे SSC USSC में जो लगता है वो सेम हूबहू ऐसे ही है। तो कुछ आपका फॉर्मेट आपका ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपकी वेबसाइट दिखा दे रहा हूं कि कहाँ पे आपको जो है कैसे ओपन करना है, कहाँ एनेक्सर आपको मिलेगा। तो एनेक्सर आपको जब KVS की वेबसाइट आप लोग खोलोगे, यहाँ देखो KVS की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, ये आ गया KVS की वेबसाइट। और इस KVS की वेबसाइट पर आपको यहाँ जब नोटिस चलता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ देखो यहाँ एनेक्सर आ रहा है, देखियो ये है आपका एनेक्सर, ठीक है। ओपन इन ए न्यू टैब, अगर हम न्यू टैब में ओपन करते हैं इस एनेक्सर को यहाँ पर, तो अगला आपका न्यू टैब में खुलेगा। देखो यहाँ पे बोला है डाउनलोड, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो रहा है, ओपन करो, ओपन करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनेक्सर आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ और डाउनलोड हो गया, ये PRT का नोटिस डाउनलोड हो गया, वो एनेक्सर डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। ये रहा, इस पर क्लिक करो, यहाँ से एनेक्सर आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, ये रहा आपका एनेक्सर, ठीक है। ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, सेम एज ए सेंटर वाला जैसे बनता है वैसे ही है। कुल नहीं, आपका मैटर ये होना चाहिए पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना, तो जाहिर सी बात है सेंटर वाला फॉर्मेट है आपका। सेंटर वाले फॉर्मेट पे आप पूरा ये इसी तरह बनवा लीजिए। SC ST एनेक्सर सेकंड में बोला था, जैसे ये फॉर्मेट है वैसे ही आपका होना चाहिए, ऐसे सेंट्रल का भी होता है। ये रहा, इस 2 पेजों में आपका दिया गया है, ठीक है। हाँ, और ये EWS का फॉर्मेट है, आप भी जब जाओगे बनवाने तो यहाँ पे बोला है नेम एड्रेस अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं लिखा, इसीलिए नेम ऑफ यहां पर पूरा लिख दिया गया EWS का, वैलिड फॉर्म द ईयर। इसी फॉर्मेट में आपको EWS वाला सर्टिफिकेट बनवा लो, इसी फॉर्मेट में आप जाके बोलना कि भैया हमें ऐसे इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग बनवा लिए होंगे तो वही फॉर्मेट चलेगा, इसी इंग्लिश वाले फॉर्मेट में आप बनवा लो, ठीक है। आप जहां से भी अपने ही स्टेट से बनवा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सेंट्रल से नहीं, ये आपका स्टेट से जहां भी आप जाओगे अपने तहसील में, तो इसी फॉर्मेट में इंग्लिश में आप करा के और इसी पर बनवा लेना, यही आपका फॉर्मेट चल जाएगा। अब बाकी SC ST वाला OBC वाला जो सेंट्रल में लोग चलता है वही वाला फॉर्मेट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस आप देख लेना कुछ चेंजेस होगा, जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें उसमें हो, ठीक है। तो वही है, बाकी ऐसा कुछ चेंज नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे थे ऐसा नहीं है कोई भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। KVS में आप जब DV में जाओगे ना आपको पता चलेगा, सेंट्रल वाले में सेंट्रल ही मांगता है, खासकर OBC तो ध्यान रखो, ठीक है। SC ST OBC वाले सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट होता है, इसीलिए एनेक्सर ये पहले आपको दिखा दिया कि आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए। और जन सेवा केंद्र में जाओगे तो वहां आपको बता देंगे और 10 से 15 दिन लगता है वो बन के आ जाएगा। और कोई भी आपका सर्टिफिकेट, कई बच्चों का ये कहना था कि सर जो सर्टिफिकेट होगा वो बाद में भी चल सकता है, नहीं, आपका सभी सर्टिफिकेट आपके 26/12 से पहले चाहिए, 26/12 से आपके पहले चाहिए, 26 लास्ट डेट है। अब ये नहीं बोला है आपसे कि आपके पास प्रीवियस हो पुराना तभी भी चलेगा, लेकिन EWS वाला इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। EWS वाला, हाँ, SC ST और OBC में कोई लिखा नहीं है कि आपका कितना पुराना होगा
या कहां तक का होना चाहिए किसे, ये लिखा है कि कब तक का होना चाहिए, मतलब 26/12 से पहले का होना चाहिए, चाहे और पीछे का कितना, 3 साल का, 2 साल का, कोई भी हो, वो सब चल सकता है। ठीक है, कोई डेफिनेट डेट नहीं दिया है तो उसके लिए परेशान ना हो, जिसके पास नया है उसको तो एकदम और भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो और कोई समस्या हो, क्योंकि ये आ चुका है तो आप लोग बनवाना शुरू कर दो इसी फॉर्मेट में, और कोई समस्या हो इससे रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हो, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।